Assalamualaikum viewers, welcome back to my channel. आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ फिश टिक्का शाशलिक विद बारबेक्यू सॉस की रेसिपी. चलें चल के शुरू करते हैं. फिश मैंने ली यहाँ पे बोनलेस 500 ग्राम के करीब. 1 टीस्पून लिया सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 3 टेबलस्पून लेमन जूस, 1/2 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ जीरा, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर. और वेजिटेबल में हमें चाहिए शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज. ये अपनी मर्जी से आप लोग जितना मर्जी डाल सकते हैं. अब हम डालेंगे इसमें सारे स्पाइसेस, गार्लिक और जिंजर का पेस्ट, रेड चिल्ली पाउडर, सॉल्ट, कोरिएंडर पाउडर, भुना कुटा जीरा, गरम मसाला और लेमन जूस. इसको अच्छी तरह मिक्स करके थोड़ी देर हम इसको छोड़ देंगे. उसके बाद मैं आपको सॉस की सारी चीज़ें बताती हूँ वो कैसे बनानी है. जब तक ये मैरिनेट होती है तब तक हम अपनी सॉस तैयार कर लेंगे. बारबेक्यू सॉस के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो ये हैं. 1/2 टीस्पून लिया मैंने यहाँ पे पिसा हुआ लहसुन, 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1 टीस्पून शुगर, 1/4 कप ली मैंने यहाँ पे केचप, 1 छोटी तेज वाली सब्ज़ मिर्च, 2.5 टेबलस्पून सिरका, 2 टेबलस्पून ऑयल. सबसे पहले हम रेडी करेंगे सॉस. इसके लिए डालूंगी ऑयल, इसमें लहसुन, बस स्टोर फ्राई करेंगे. हाई आंच पे नहीं आपने इसको बनाना. इसके साथ ही केचप, फ्लेम आप लो टू मीडियम पे कर लें. ये बहुत जल्दी बन जाती है. इसके साथ ही हम डालेंगे सिरका, रेड चिली पाउडर, ग्रीन चिलीज, शुगर, ये 4 to 5 मिनट्स में रेडी हो जाती है. सॉस हमारी रेडी हो चुकी है. ये देखें, इसके बाद हम बनाएंगे फिश. 2 टेबलस्पून लिया मैंने यहाँ पे ऑयल. अब मैं डालूंगी इसमें फिश. फिश आपको पता है बहुत जल्दी बन जाती है. बहुत आराम से बनाएंगे, ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना.
हमारी एक साइड से पक चुकी है, दूसरी साइड से इसको कितना बनाएंगे। वेजिटेबल्स को मैंने एक टेबल स्पून सॉस डाल के मिक्स कर लिया है, ये देखें। बाकी सॉस हम फिश में डालेंगे साथ में बारबेक्यू सॉस, इसको डाल के बस मैं थोड़ी देर स्टर फ्राई करूंगी, उसके बाद मैं आपको डिसॉल्व करके दिखाती हूँ। ये तकरीबन रेडी है, सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाना। डिश हमारी रेडी हो चुकी है, अब मैं करूँगी इसको डिश आउट, इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। हमारी फिश टिक्का शाशलिक रेडी है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें। चलती हूँ, फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।